हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 8th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 13, केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस लेसन। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकॉन, देन यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ अवर वीडियो। और जिसने जो है राजश्री क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है तो उनका धन्यवाद। तो हम जो है इसका, तो हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने जो है क्या देखा था। तो हमने जो है देखा था कि व्हाट इज केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होते हैं और वो कैसे होते हैं, और उसमें जो है प्रॉपर्टी जो है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी जो है वो कैसे चेंज होती है, उसको जो है हमने वर्ड इक्वेशन और जो है केमिकल इक्वेशन में जो है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी जो है कैसे लिखा जाता है वो भी हमने फर्स्ट पार्ट में जो है देखा। फिर हमने देखा है कि नेचुरल केमिकल चेंज कैसे होते हैं और जो है मैनमेड जो केमिकल चेंजेस है वो किस तरह से होते हैं। तो आज जो है हम यहाँ पर केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, वी सॉ दैट कंपोजिशन ऑफ अ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एंड न्यू सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि केमिकल चेंज जब होता है तो वो जो है उसका जो सब्सटेंस है उसका जो है ओरिजिनल सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग होती है, और फिर जो है जब केमिकल चेंज होता है तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी भी उसका भी जो है कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो चेंज हो जाती है। व्हेन दिस हैपन सम केमिकल बॉन्ड इन द रिएक्टेंट ब्रेक एंड न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू केमिकल बॉन्ड। और ऐसे वक्त में जो है वो जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसमें जो है एक कुछ केमिकल बॉन्ड्स जो है होते हैं और वो केमिकल बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं तो वो जो है एक नए केमिकल बॉन्ड के साथ में जो है वो तैयार होता है। जैसे कि हमने देखा था कि ये जो है CaCO3 और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका जब हमने रिएक्शन देखा था तो इसमें जो है ये CaCl2 प्लस सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस है जिसका एक केमिकल बॉन्ड बना हुआ है ये जो है वो ब्रेक हो जाता है और ये जो प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसमें एक नया जो बॉन्ड जो है उसमें फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड का ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखता है हमको और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए दिखता है और वाटर। तो इस तरह से जो है एक नया केमिकल बॉन्ड जो है उसमें है जो हमको फॉर्म होते हुए दिखता है। ऐसे वक्त में जो है जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसमें जो है एक केमिकल बॉन्ड होता है जो वो ब्रेक होता है और फिर नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसमें जो है नए केमिकल बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। सो वी हैव ऑल्सो सीन इन द चैप्टर कंपोजिशन ऑफ अ मैटर दैट द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय वन एटम इज इट्स वैलेंसी। तो हमने जो है कंपोजिशन ऑफ अ मैटर में जो है इसके पहले के चैप्टर में भी देखा था कि केमिकल बॉन्ड जो है एक एटम में जो फॉर्म होता है वो उसके वैलेंसी के साथ में। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो अब जो है हम केमिकल बॉन्ड जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। सो वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन अ चैप्टर इनसाइड द एटम। हमने जो है इनसाइड द एटम इस चैप्टर में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और वैलेंसी का क्या रिलेशनशिप होता है वो हमने देखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं शेल में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, और वैलेंसी जो है जो मतलब उस शेल में लास्ट वाले शेल में जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम में जो है
कितने होते हैं, उस एटम के इलेक्ट्रॉन वो कितने जो है वो दे सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले सकता है, उस पे उसकी बैलेंसी जो है वो डिपेंड होती है। तो ये जो है हमने इनसाइड द एटम में जो है देखा था। नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड एज देयर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट और डुप्लेट इज कंप्लीट। ये जो नोबल गैसेस होते हैं जिसका कि केमिकल बॉन्ड जो है जो होता है उसमें ऑक्टेट और डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होता है, और इसीलिए जो है ये किसी भी रिएक्शन में जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है शेयर नहीं करता है। वाइल द एटम विथ इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन, और दूसरे जो एटम्स है जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, या फिर डुप्लेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो वो जो है वो किसी भी अदर सब्सटेंस से केमिकल बॉन्ड जो है वो फॉर्म करता है। ओनली नोबल गैसेस जो है वो कभी किसी से बॉन्ड नहीं बनाता है। ओके, रीजन फॉर दिस इज दैट एन एटम यूज इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। अब इसका रीजन क्या होता है कि वो जो एटम है उसकी वैलेंसी जो है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, इसीलिए वो जो है वो केमिकल बॉन्ड जो है वो फॉर्म करता है। मोर ओवर ऑन फॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड इक्वल टू इट्स वैलेंसी द एटम अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। और जब वो केमिकल बॉन्ड जो दूसरे सब्सटेंस के साथ में जो फॉर्म कर लेता है तो उसकी बैलेंसी जो है वो उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है या फिर डुप्लेट जो है उसका वो कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट जो है आयोनिक बॉन्ड। सो लेट अस फर्स्ट सी हाउ द कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म फ्रॉम द एटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन। तो अब जो है हमें क्या देखना है कि ये जो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है फ्रॉम एटम ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड दो एटम से जो है ये सोडियम क्लोराइड कंपाउंड जो है वो कैसे फॉर्म होता है। फॉर दिस पर्पज लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ सोडियम एंड क्लोरीन। इसके लिए हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा सोडियम और क्लोरीन का। तो तो इसके पहले हमें जो है सोडियम का जो है एटोमिक नंबर जो है हमें पता रहना चाहिए। तो उसका एटोमिक नंबर है 11, Na=11 होता है। तो और क्लोरीन का जो है वो 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो नाउ वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। तो सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है और क्लोरीन का जो है 17 होता है। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, 2, 8 एंड 1। मतलब पहले शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 होता है। और क्लोरीन का जो है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में जो है 8 होता है। तो यहाँ पे जो है थर्ड शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है 7 है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर हमने इस क्लोरीन को अगर दे दिया तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो वी हैव सीन द कोरिलेशंस दैट द वैलेंसी ऑफ अ सोडियम इज 1 एज इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी शेल, एंड वैलेंसी ऑफ अ क्लोरीन इज 1 एट इट्स वैलेंसी शेल इज शॉर्ट ऑफ अ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम में जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब एक्स्ट्रा है, ऑक्टेट जो है उसका फॉर्म नहीं हो रहा है, और क्लोरीन में जो है 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, तो जिससे कि ये दोनों जो है ऑक्टेट फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सो शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज जो है क्लोरीन में है। सो ऑन लॉस ऑफ अ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फॉर्म एम शेल, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो एम शेल में सोडियम के हैं वो अगर वहाँ से निकल जाता है तो अल्टीमेटली जो है एल शेल जो है वो जो है सबसे ऊपर का शेल हो जाएगा। सो इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट,
जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम में जो ये सेकंड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है। इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट। इफेक्टिवली सोडियम अटेंड एन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट स्टेट, और फिर जो ये सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करता है। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन नंबर बिकम 10, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो वहाँ पे 10 हो जाता है। सोडियम में जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो प्रोटीन है वो भी 11 होते हैं, पर जब एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब निकल जाता है तो यहाँ पे जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 होते हैं और प्रोटॉन जो है वहां पे 11 हो जाते हैं, मतलब +1 का चार्ज जो है उस पे आ जाता है, ठीक है। कैरिंग नेट पॉजिटिव चार्ज +1 इज फॉर्म। ऑन द अदर हैंड वैलेंसी शेल ऑफ अ क्लोरीन एटम कंटेन एन इलेक्ट्रॉन लेस टू द ऑक्टेट स्टेट, मतलब अब अगर हमने क्लोरीन का वैलेंसी शेल देखा तो वहाँ पे जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जो है वहाँ पे वैलेंसी होती है जिससे कि वो ऑक्टेट फॉर्म कर सकता है, मतलब जो लास्ट शेल एम जो है वहाँ पे जो है 7 जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, ऑक्टेट ऑफ अ क्लोरीन इज कंप्लीटेड। सो हाउएवर द चार्ज बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल क्लोरीन एटम, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें ऐड हो जाता है तो इसका भी जो है मतलब न्यूक्लियस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है 17 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं और प्रोटॉन भी जो है 17 होते हैं, पर जब एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी है वो अगर कंप्लीट हो जाती है, मतलब उसको मिल जाती है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे और प्रोटॉन जो है वो 17 रहेंगे, तो ये भी जो है फिर इसका न्यूक्लियस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। सो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए एनायन क्लोरीन, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो है क्लोरीन एनायन जो है वहां पर फॉर्म हो जाता है, मतलब कैरिंग अ नेट नेगेटिव चार्ज -1, मतलब उसमें जो है एक नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। व्हेन एन एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन एन ऑटम ऑफ एन एटम ऑफ अ सोडियम गिव्स इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम। अब ये जो एलिमेंट है सोडियम और क्लोरीन के जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, द एटम ऑफ अ सोडियम गिव्स इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम जो है अपना एक एटम सोडियम का एक एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन एटम को देता है, सो वेयर बाय द कैटायन एंड एनायन क्लोरीन आर फॉर्म। और इस तरह से जो है कैटायन सोडियम का कैटायन और क्लोरीन का एनायन जो है फॉर्म होता है। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस द अपोजिटली चार्ज आयन गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन हम देखते हैं तो उस हिसाब से जो है पॉजिटिव चार्ज और द अपोजिट चार्ज आयन गेट अट्रैक्टेड, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होते हैं एंड केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम, और एक जो केमिकल बॉन्ड है उसमें फॉर्म हो जाता है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो केमिकल बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द अपोजिटली चार्ज कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड और एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो है अपोजिट चार्ज कैटायन और एनायन जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है और एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म बाय मीन्स ऑफ अ वन आर मोर आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड अ आयनिक कंपाउंड, और जब ये एक से ज़्यादा केमिकल बॉन्ड्स जो है वो तैयार होते हैं, आयनिक बॉन्ड जब तैयार होते हैं तो उसे आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन फिगर 13.3।
तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम एलिमेंट सोडियम और क्लोरीन से, तो इसका जो है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए जो है 13.3 में जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, वन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लस वन और माइनस वन ऑन एन आयन। द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑन इट। एन आयन फॉर्म्स द सेम नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, वन आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव वन, पॉजिटिव मतलब प्लस वन और प्लस माइनस वन ऑन एन आयन, मतलब आयन में जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्लस वन और प्लस माइनस से जो है वो आयनिक बॉन्ड में फॉर्म हो रहा है। द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज ऑन इट। इसकी जो वैलेंसी है आप आयन वो एक ही थी, मतलब इक्वल है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की। एंड आयन फॉर्म्स द सेम नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब आयन जो फॉर्म हो रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड जो है उसे फॉर्म हो रहा है, मतलब उस वहाँ पे प्लस वन जो है ज़्यादा है और यहाँ पे क्लोरिन में जो है एक की वैलेंसी है, मतलब वन ही की वैलेंसी जो है वहाँ पर भी है। तो ये जो है प्लस वन और माइनस वन जो है एक जो इलेक्ट्रिकल चार्ज से ही जो है वो आयनिक बॉन्ड वहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और क्लोरीन का 17 है। यहाँ पे जो शेल दिया है फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में जो है 8 दिख रहे हैं और थर्ड में जो है 1 है। ठीक है, मतलब ये जो रेड से दिखाया गया है। अब क्लोरीन में जो है 17 है, फर्स्ट शेल में जो है 2 है, सेकंड में जो है 8 है और थर्ड में जो है 7 है, मतलब यहाँ पे एक जो है वैलेंसी। तो ये जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, ये सोडियम और क्लोराइड जब मिल जाते हैं तो सोडियम जो है वो अपना ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को देकर, और यहाँ पे क्लोरीन भी जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो है अपना ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये जो आयनिक बॉन्ड जो है उसमें होता है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड एग्जांपल्स दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसे होता है यहाँ पर दिया है। यहाँ पे क्लोराइड क्लोराइड दिया है, वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ अ क्लोरीन इज 17 और मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो इसके फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में जो है 7, ये हमें पता है। नेक्स्ट जो है मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड्स जो है वो कंबाइन हो रहा है मैग्नीशियम से, और मतलब ये सेकंड क्लोरीन एटम जो है इसका भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया है 2, 8 और 7। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस है। देन मैग्नीशियम में जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फर्स्ट में टू शे पहले शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, क्लोरीन को जो है वो दे रहा है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो इन दोनों क्लोरीन एटम के जो है ऑक्टेट वो कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं क्लोरीन में जो है एक माइनस जो है एनायन तैयार हुआ है, मैग्नीशियम में जो है 2 कैटायंस तैयार हुए हैं और क्लोरीन में जो है एक जो है एनायन तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन को मिल चुके हैं और यहाँ पे ये इसका ऑक्टेट जो है वो तैयार हो रहा है। ठीक है, द फिगर 13.4 शोज हाउ द आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट मैग्नीशियम एंड क्लोराइड।
मैग्नीशियम और क्लोराइड से जो है इसका आयनिक कंपाउंड जो है वो कैसे तैयार हो रहा है वो हमने देखा। शो द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यूजिंग टू मेथड नेमली न्यूमेरिकल एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर जो है कुछ सब्सटेंस दिए है, इसका जो है न्यूमेरिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम जो जो हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनाना है। जैसे के एफ दिया है, एफ पोटेशियम एंड फ्लोराइड, एफ इज फ्लोराइड, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर दिया है 19 और फ्लोराइड का जो है 9। तो इसका जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा जो करना है। देन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 20 और ऑक्सीजन का 8, तो इससे जो है हमको ये तैयार करने हैं। ठीक है, सो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट डायग्रामेटिक एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम तो यहाँ पे जो है हम पोटेशियम और फ्लोराइड का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देखेंगे। तो यहाँ पे हम को दिख रहा है कि पोटेशियम का जो है एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसके पहले शेल में जो है 2 आ रहे हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और एक जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमको लास्ट शेल में दिख रहा है। और ये जो फ्लोराइड है इसका जो है एटॉमिक नंबर जो है 9 होता है, तो पहले शेल में इसके 2 होते हैं और सेकंड शेल में जो है 7, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस जो है हमको और दिख रहा है। तो यहाँ का इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्रामेटिक अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बनता है। ये जो पोटेशियम है तो इसके फर्स्ट शेल में जो है हमको दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और थर्ड इसमें जो है ये जो है हमको 8 दिख रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट शेल में जा रहा है। ठीक है, ये तो और यहाँ पे फ्लोराइड के इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड जो शेल है इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस है। तो यहाँ पे जब ये शेयरिंग होती है तब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जो है यहाँ पर मतलब इसको फ्लोराइड को मिल रहा है और यहाँ पे जो है इसका ऑक्टेट जो है पर फिर कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, इसका भी मतलब पोटेशियम का भी और जो है फ्लोराइड का, ये दोनों का जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मतलब इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे जो है ये फर्स्ट शेल में 2 दिख रहे हैं हमको यहाँ पे पोटेशियम के, सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8 दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन जब हम यहाँ पे इसको फ्लोराइड को दे रहे हैं तो इसका भी ऑक्टेट इसमें 7 थे सेकंड शेल में लास्ट शेल में, तो यहाँ पे भी जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। तो इस तरह से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनता है डायग्रामेटिकली। देन वी हैव टू सी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है? जनरली अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन एटम ऑफ अ टू एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी कंबाइन। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब जो है एटम ऑफ अ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के एटम्स जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी के होते हैं और वो कंबाइन होते हैं। सच एटम कैन नॉट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, और ऐसे एटम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करते हैं। इंस्टेड दिस एटम शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। तो सो इंस्टेड दिस एटम शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। तो ये जो सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एटम्स होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मतलब जैसे कि हमने देखा था कि ये इसके पहले जो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे जो एटम को जो है वो शेयर करते हुए देखे थे हमने, लेकिन ये जो है सिमिलर प्रॉपर्टी के जो भी एटम जब
कंबाइन होते हैं तो एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो जो है वो शेयर करते हैं, इस तरह से जो है वो शेयर करते हुए दिखते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द एटम। और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम्स को किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन होती है, एंड देयर बाय द इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट और डुप्लेट ऑफ बोथ द एटम्स बिकम कंप्लीटेड। और इस तरह से जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट और डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होता है। लेट अस फर्स्ट कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब जो है एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, जो हम इस तरह से लिखते हैं H2। सो वी हैव सीन इन द चैप्टर इनसाइड द एटम। इनसाइड द एटम में हमने देखा था कि हाइड्रोजन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटोमिक नंबर भी जो है एक होता है और उसका इलेक्ट्रॉन जो है एक ही होता है। इट्स डुप्लेट इज शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब डुप्लेट फॉर्म होने के लिए यहाँ पे जो है एक ऑक्टेट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसका डुप्लेट फॉर्म होने के लिए यहाँ पे जो है दिख रहा है ये एक ही जो है इलेक्ट्रॉन है, तो डुप्लेट फॉर्म करने के लिए एक जो बैलेंस ही होती है आयन की, तो शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एंड देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज वन। इसीलिए जो है ये हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, वन है, मतलब उसको एक जो है इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसका डुप्लेक्ट कंप्लीट करने में। द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल। ये जो टू एटम्स है हाइड्रोजन के, ये एक और ये एक, ये क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, एंड हैव सिमिलर टेंडेंसी, और इनकी टेंडेंसी भी जो है वो सिमिलर है, एंड देयरफॉर दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए जो है ये एक इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने वो शेयर करता है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है एक में को जो है वो शेयर करते हैं। तो शेयर कैसे करते हैं, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरह से जो है ये शेयरिंग होती है। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डुप्लेक्ट ऑफ बोथ द हाइड्रोजन एटम इज कंप्लीटेड। और इस तरह से इसका जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स का जो है डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होते हुए दिखता है हमको यहाँ पे। एंड केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, और उसमें जो है एक केमिकल बॉन्ड जो है वो बनता है उन दोनों में। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ अ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम विथ ईच अदर इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है इन दोनों में, जो बाय शेयरिंग ऑफ अ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं दोनों एटम, तो इसको जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ओके, वन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ अ टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब वन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ अ टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अगर दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर वो शेयर करते हैं तब भी जो है वन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। द फिगर 13.5 शोज द फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू हाइड्रोजन एटम्स यूजिंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो ये 13.5 जो फिगर है इसमें जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो है दिया गया है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डैश ज्वाइनिंग देयर सिम्बॉल्स। और इसको जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डैश ज्वाइनिंग देयर सिम्बॉल्स, मतलब इस तरह से जो है वो हमें जो है उसका रिप्रेजेंटेशन हमको दिखता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोजन आयन का। देन नाउ लेट अस सी हाउ एन वाटर मॉलिक्यूल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कैसे कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है, बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से, वो हम जो है इस 13.6 में जो है फिगर में जो है वो देखेंगे। सो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ अ ऑक्सीजन एटम। हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, ठीक है। तो इट मीन दैट द इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इन ऑक्सीजन इज शॉर्ट ऑफ अ 2 इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। मतलब यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज जो है हमको दिखता है ऑक्सीजन में, ठीक है।
ये दिख रहा है हमें ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है। फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और सेकंड शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिख रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको चाहिए होते हैं। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसको चाहिए होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जो है ऑक्सीजन में होती है। सो इन द वाटर मॉलिक्यूल द ऑक्सीजन एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय फॉर्मिंग 2 कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये जो वाटर में जो है ऑक्सीजन एटम जो है वो अपना ऑक्टेट कब कंप्लीट करेगा, जब वो जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करेगा वन ईच फ्रॉम द 2 हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स में से जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जब वो लेगा तब जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट जो है कंप्लीट होगा और जो है वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। सो व्हाइल दिस हैपन्स द डुप्लेट ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स आल्सो आर कंप्लीटेड। और इससे जो है ये हाइड्रोजन एटम्स जो है जिसका कि एक जो है इलेक्ट्रॉन से, तो ये जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो इसका भी जो है डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं H2O, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे सेकंड शेल में, तो वो जो है हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, मतलब वो शेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन जो है वो शेयर कर रहा है, दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो इससे जो है हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है कंप्लीट हो रहा है और ऑक्सीजन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सो नाउ वी रिप्रेजेंट दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है हम कैसे दिखा सकते हैं। H-O-H फॉर्म H2O, इस तरह से जो है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है हम बता सकते हैं। सो नाउ यू सी, यूज योर ब्रेन पावर। देर इज वन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कंपोनेंट एटम H एंड Cl। जो H और Cl जो है इसमें जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है एंड मॉलिक्यूल जो है HCl जो है वो फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फॉर्म हो रहा है। सो यूज दिस इंफॉर्मेशन टू रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। अब इसको जो है हमको मतलब इस इंफॉर्मेशन को जो है डायग्रामेटिकली जो है रिप्रेजेंट करना है, और उसका कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम में किस तरह से जो है फॉर्म हो रहा है वो बताना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से जो है बता सकते हैं। ये जो है हाइड्रोजन एटम है जिसका कि एक जो है इलेक्ट्रॉन है, देन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 17 होता है, H का 1 होता है। तो ये हम क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7। तो यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सेकेंड पहले शेल में, दूसरे शेल में जो है 8 आते हैं और तीसरे शेल में जो है यहाँ पे 7 आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7। तो ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसमें कैसे फॉर्म होता है, तो ये जो है यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो है जो लास्ट शेल जो है इसका क्लोरीन का, इसमें जो है ऑक्टेट तैयार हो रहा है और ये जो है यहाँ पे जो है 2, मतलब फर्स्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है और थर्ड में जो है हाइड्रोजन से मिलके जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे जो है ये ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो रहा है और इसका हाइड्रोजन का डुप्लेक्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी जो है हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है बता सकते हैं। H-Cl इस तरह से जो है इसका ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है बनता है। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो इसे राजेश इस राजर्षि क्लासेस को जो है आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।